पंजाबिस्तान की जानिब तो राणी तत्त वार्तक विचों एक रचना छावां हथ सारंगियां। कविता की है इस गल नूं लैके अक्सर साहित्यक हलकियां विच बहस छिड़ी रहिंदी है ते बड़े सवाल भी उठते ने कि कविता निरोल लोक पीड़ा का चित्रण है, कि कविता साडे तजर्बियां दी साखी मात्र है, कि कविता विषय की गंभीरता नूं ही मन्या जा सकता है, कि केवल लय ताल नाम की कोई सुहजात्मक चीज ही कविता है, कि कविता महबूब दे पिंडों उड्डियां चिड़ियां दा ही कोई रूप है, कि कविता ब्रह्मंड दी धुनी चों उठी कोई रहस्यमई हूक है। इस तरह दे सवालां च आम मानसिकता दा उलझना ते हैरान परेशान होना सुभाविक ही है। सेहतमंद साहित्यक हिरदियां नूं पता है कि कविता दा झंडा फेर भी परिलां वाली अदा नाल ही चुलेगा, चाहे इन्हां गोष्टियां चों लख नवें सिट्टे कढ ले जाण। मैं सोचदा कि साडे गूढ़ ज्ञानी मथिया ने कदे ए क्यों नहीं महसूस किया कि कविता हवा दियां तहियां च बैठी ओ चीज है जो अखरां ते शब्दां दियां पोशाकां तो बिना भी विचर सकती है, बल्कि विचरदी है। साडे कवि कविता दे उस आजाद जिहे आकार नूं आपो अपनी सूझ दे झग्गे पवा दिंदे ने जो अक्सर कविता दे मेज नहीं आउंदे। कविता तां इत्थे है ही ते हमेशा रहणी भी है, भावें असीं लिखिए जां ना लिखिए। उपर जिन्हां छे श्रेणियां दा जिक्र कीता गया है कविता विच बेशक इन्हां चों कोई भी अंश होवे, पर सवाल यह है कि की यह अंश ब्रह्मंडी अखाड़े विच अपनी दिब दृष्टि की कोई पैड़ छड़ रहा है ते मनुखी चेतना नूं अपने नाल तोड़दा होया किसी खुले मैदान विच लैके आउंदा है जिथे बिना भेदभाव दे सारे इक्को समतल जमीन ते नच सकदे।